हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल एडवांस स्टडी में। दोस्तों, आज का ये जो अपडेट है, दो अलग अलग सरकारी भर्ती के विज्ञापन के बारे में जानकारी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और देखिए, ये जो वैकेंसी यहाँ पे जो रिलीज़ की गई है, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत यहाँ पे रहने वाली है। आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं, स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी है, लैब अटेंडेंट की वैकेंसी है, स्वच्छता कर्मी की वैकेंसी है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट की वैकेंसी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है स्वास्थ्य विभाग से यहाँ पर जुड़ी हुई है। पूरा भर्ती विज्ञापन यहाँ पर जारी कर दिया गया है। दो अलग अलग सरकारी भर्ती के विज्ञापन एक के बाद एक मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। और दोनों सरकारी भर्ती के विज्ञापन जो है CMO ऑफिस द्वारा यहाँ पर जारी किए गए हैं। मीन्स यहाँ पर जो है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा यहाँ पर किए गए हैं। तो बिल्कुल आप सभी लोगों को यहाँ पे अप्लाई करना है। और यहाँ पे देखिए, अप्लाई आपको किस तरीके से करना है और यहाँ पे लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन के तौर पे योग्यता आपसे क्या क्या मांगा जा रहा है, एज क्राइटेरिया यहाँ पे क्या रहेगा, सैलरी पैकेज, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूँ। इसके अतिरिक्त जितने भी इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं अप्लाई करने के लिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर इस वीडियो में मिल जाएगी। इतनी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को यहाँ पर लाइक कर देना है, दिल से इस वीडियो को यहाँ पर लाइक करें, इस मेहनत को लाइक जरूर करें। दो अलग अलग सरकारी भर्ती जो स्वास्थ्य विभाग से यहाँ पर जुड़ी हुई है, दोनों सरकारी भर्ती के विज्ञापन हम आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इस मेहनत को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को यहाँ पर लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट वगैरह, कोई भी सवाल वगैरह है, आप सभी लोग हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। और दोस्तों, चाहते हैं कि हर एक सरकारी भर्ती जो स्वास्थ्य विभाग से यहाँ पर जुड़ी हुई है, जानकारी आपको इसी तरीके से आगे मिलती रहे, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो के नीचे आइए, सब्सक्राइब के रेड बटन को यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। स्वास्थ्य विभाग की हर एक सरकारी भर्ती की जानकारी इसी तरीके से आगे पाते रहिए। तो बिल्कुल शुरुआत कर देते हैं अपने अपडेट को। और यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, ये जो वैकेंसी यहाँ पर जो रिलीज़ की गई हैं, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सूरजपुर, और देखिए छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत NHM भर्ती यहाँ पे रहने वाली है। संविदा भर्ती हेतु यहाँ पे विज्ञापन यहाँ पे जारी कर दिया गया है। और यहाँ पे देखिए पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पे शामिल की गई है। और देखिए यहाँ पे वैकेंसी टेबल की ओर यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो देखिए सबसे पहली जो पोस्ट यहाँ पे जो शामिल की गई है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट की यहाँ पे रहने वाली है, एक पोस्ट यहाँ पे रहेगी। और देखिए ये जो एक पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को यहाँ पे मिलने वाली है। स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, देखिए 57 नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है, अच्छा खासा रिक्रूटमेंट है। और यहाँ पे देखिए सभी कैटेगरी, जैसे देखिए शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी जा रही है, अनुसूचित जाति वाले कैंडिडेट्स के बारे में कैंडिडेट यहाँ पे दी जा रही है। और यहाँ पे देखिए आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट्स हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC वाले कैंडिडेट के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। और यहाँ पे देखिए अनरिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट के लिए इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो जो भी आपके यहाँ पे कैटेगरी है, आप सभी लोग यहाँ पे चेक कर लें आपकी जो भी यहाँ पे वैकेंसीज पोस्ट वाइज रहने वाली है। और देखिए स्टाफ नर्स की वैकेंसीज का, जैसे मैंने आपको बताया 57 पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी भी है, 17 पोस्ट यहाँ पे शामिल की गई हैं, सभी कैटेगरीज को मिला के 17 पोस्ट यहाँ पे रहने वाली हैं। लैब अटेंडेंट की पोस्ट है, एक पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है, अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को ये पोस्ट मिलेगी। स्वच्छता कर्मी की वैकेंसी भी है, सफाई कर्मी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, 6 पोस्ट यहाँ पे शामिल कर ली गई है। और यहाँ पे देखिए सभी कैटेगरीज को मिला के 6 वैकेंसी स्वच्छता कर्मी के लिए यहाँ पे रहने वाली है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं, 82 पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। और यहाँ पे 82 पोस्ट पे ये पूरा सरकारी भर्ती का विज्ञापन यहाँ पे जारी हुआ है। CMO ऑफिस द्वारा ये पूरा रिक्रूटमेंट यहाँ पे रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में। तो देखिए इसी से जुड़ा हुआ, आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन चाहिए। माइक्रोबायोलॉजिस्ट की वैकेंसी है, तो देखिए 93,000 करीब आपको सैलरी पैकेज दिया जाएगा। MD होना जरूरी है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में। 35,000 रुपये आपको यहाँ पे दिया जाएगा, जो यहाँ पे देखिए MSc है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में, और 2 साल का एक्सपीरियंस जो रखते हैं और मेडिकल डायग्नोसिस के अंतर्गत, तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। स्टाफ नर्स के लिए देखिए 16,500 रुपये सैलरी पैकेज दिया जाएगा। GNM वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, BSc नर्सिंग वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन का आपके पास जो है रजिस्ट्रेशन भी होना यहाँ पर जरूरी है, जो काउंसिल का यहाँ पे रहता है। अब देखिए लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी जो है, 14,000 रुपये सैलरी पैकेज आपको यहाँ पे मिलने वाला है। DMLT BMLT का कोर्स अगर आपके पास है, और देखिए छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल का अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है, तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे अप्लाई करें। पैरामेडिकल कोर्स के अंतर्गत देखिए पैथोलॉजी का अगर आपके पास कोर्स है और रजिस्ट्रेशन है इससे रिलेटेड, तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लैब अटेंडेंट की वैकेंसी है, 12,000 रुपये आपको सैलरी पैकेज दिया जाएगा। और देखिए 12वीं कक्षा पास होना यहाँ पे जरूरी है, कहने वाली बात है, 12th क्लास अगर आप लोग यहाँ पे पास है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट से, तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए अंतिम जो है यहाँ पे स्वच्छता कर्मी, मीन्स 8,800 रुपये आपको सैलरी पैकेज मिलने वाला है। और देखिए मात्र जो है 8वीं कक्षा पास होना आपका यहाँ पे जरूरी है। तो बिल्कुल 2 पोस्ट यहाँ पे जो शामिल की गई है, आप सभी लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए इसमें कोई भी हायर क्वालिफिकेशन नहीं मांगी जा रही है, मात्र जो है 8वीं कक्षा मांगी जा रही है। और देखिए 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना यहाँ पे जरूरी है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको यहाँ पे दी है। अब बता देता हूँ किस तरीके से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है।
तो देखिए सबसे पहले आप सब लोग ये जान लें कोविड 2019 महामारी की रोकथाम के लिए, नियंत्रण के लिए और देखिए आपातकालीन स्थिति को निपटने के लिए ये जो वैकेंसी है 3 मंथ के लिए आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और देखिए आप लोगों को यहाँ पे आवेदन करना होगा और आवेदन करने के लिए लास्ट डेट जो है 22 जुलाई 2020 यहाँ पे रहने वाली है। रात के 12 बजे तक का समय आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। ईमेल आईडी पे आप लोगों को देखिए एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पे भेज देना है और देखिए दस्तावेज मीन्स डॉक्यूमेंट्स भी आपको यहाँ पे भेजने होंगे ईमेल आईडी पे। और ये जो डॉक्यूमेंट्स है आपको स्वप्रमाणित कहने वाली बात है आपके द्वारा जो है नीचे की तरफ आपके डॉक्यूमेंट्स पे आपके सिग्नेचर होना यहाँ पे जरूरी है। ईमेल आईडी ये प्रोवाइड आपको यहाँ पे कराई जा रही है। एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे भेज देना है। और देखिए आपका यहाँ पे कोई भी एग्जाम आपका नहीं लिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट्स आप सब लोग यहाँ पे जान लें 1 से 11 तक ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ यहाँ पे भेज देना है ईमेल आईडी पे। और बिल्कुल आप सभी लोग यहाँ पे आवेदन करें और कोई भी एग्जाम आपका यहाँ पे नहीं है, जो भी है आपके क्वालिफिकेशन से लिया जाएगा, जो भी है आपका यहाँ पे अनुभव, जो भी आपका यहाँ पे रहता है एक्सपीरियंस, उसी बेसिस पे आपको मेरिट मिलेगी और उसी बेसिस पे ही आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग मिलने वाली। कोई भी एग्जाम नहीं है, कोई भी रिटन टेस्ट नहीं है, कोई भी आपका यहाँ पे इंटरव्यू नहीं रहेगा। और यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे कवर की। और दोस्तों बताना चाहता हूँ सबसे नीचे की तरफ देखिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा जा रहा है और ये देखिए पूरी बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। आपकी पोस्ट का नाम यहाँ पे फिल करना है, आपको अपना नाम और अपने पिता का नाम, ठीक है, अपनी माता का नाम, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, सारी बेसिक डिटेल्स हैं आपको यहाँ पे फिल करनी है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है एप्लीकेशन फॉर्म और आपका जो डॉक्यूमेंट्स है आप लोगों को ईमेल आईडी पे यहाँ पे भेज देनी है। और डॉक्यूमेंट्स का जो भी सेट है जो मैंने आपको बताया है 1 से लेकर 11 तक ऊपर जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म के साथ यहाँ पे भेज देना है, जो भी मैंने आपको सबसे ऊपर की तरफ ईमेल आईडी बताई। और 20 जुलाई 2020 तक का समय आपको यहां पे दिया जा रहा है। बिल्कुल आप सभी लोग यहां पे ईमेल आईडी पे अपने डॉक्यूमेंट्स यहां पे भेज दें और यहां पे आवेदन कर लें। कोई भी आपका एग्जाम आपको यहां पे नहीं होगा, बिल्कुल बढ़िया मौका है और यहां पे आप लोग ज्वाइनिंग ले लें। तो दोस्तों ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस की है। ये पहला सरकारी भर्ती का विज्ञापन जो मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किया है, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सूरजपुर और छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत NHM भर्ती, ये मैंने आपको जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करा दी है। और ये अपडेट आपको कैसा लगा, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को यहाँ पर लाइक करें और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें। और देखिए बढ़ते हैं अपने दूसरा जो यहाँ पर सरकारी भर्ती का विज्ञापन है, वो भी देखिए CMO ऑफिस द्वारा यहाँ पर रहने वाला है। तो सीधे से बिल्कुल यहाँ पर समय व्यर्थ नहीं करते हैं और यहाँ पर जो दूसरा सरकारी भर्ती का विज्ञापन है स्वास्थ्य विभाग के भर्ती से जो जुड़ा हुआ है उसकी ओर मैं आपको यहां पे ले चलता हूं। तो बिल्कुल कुछ इस तरीके से वो विज्ञापन आपकी स्क्रीन पे यहां पे नजर आएगा। तो दोस्तों पूरा जो दूसरा यहाँ पे देखिए सरकारी भर्ती का विज्ञापन है जो स्वास्थ्य विभाग की भर्ती से जुड़ा हुआ है, देखिए आप सभी लोग यहाँ पे हेडिंग पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अंबिकापुर और जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत ये पूरा भर्ती विज्ञापन यहाँ पे जारी हुआ है। कोविड 2019 हेतु ये विज्ञापन यहाँ पे रहेगा। और यहाँ पे देखिए पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ जो वैकेंसीज यहाँ पे जो रिलीज़ की गई हैं। तो देखिए यहाँ पे वैकेंसी टेबल की ओर यहाँ पे बढ़ जाते हैं। देखिए स्टाफ नर्स की पोस्ट है यहाँ पे और 16,500 रुपये आपको सैलरी पैकेज यहाँ पे दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस आपसे यहाँ पे मांगा जा रहा है, तो BSc नर्सिंग और GNM वाले कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल का अगर आपके पास यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे अप्लाई करें। और यहाँ पे देखिए लैब अटेंडेंट की भी वैकेंसी रख ली गई है, 12,000 रुपये सैलरी पैकेज यहाँ पे दिया जाएगा। जीव विज्ञान विषय के साथ जो है 12वीं क्लास उत्तीर्ण हो और देखिए लैब में कार्य करने का अनुभव भी आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी भी है, 14,000 रुपये सैलरी पैकेज आपको यहाँ पर दिया जाने वाला है। DMLT BMLT पैथोलॉजी वाले कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और पैरामेडिकल कोर्स के अंतर्गत अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल का तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पर अप्लाई करें। स्वच्छता कर्मी की वैकेंसी भी है, 8,800 पोस्ट यहाँ पर रहेंगी। 8वीं कक्षा पास होना आपका यहाँ पर जरूरी है। और देखिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तो रजिस्ट्रेशन देखिए 1 ही तारीख को होना है, सभी पोस्ट यहाँ पर जो रखी गई हैं। और यहाँ पर देखिए 27 जुलाई 2020 को आप लोग यहाँ पर पंजीयन कराएंगे, आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। और देखिए इंटरव्यू जो है, देखिए 2 पोस्ट जो है यहाँ पर स्टाफ नर्स और लैब अटेंडेंट की, तो देखिए इनका जो इंटरव्यू है 29 जुलाई 2020 को रहेगा और लैब टेक्नीशियन और स्वच्छता कर्मी का जो इंटरव्यू है वो रहेगा 30 जुलाई 2020 को। और देखिए सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तो बिल्कुल आप लोग इस डेट को यहाँ पे ना भूलें, 27 जुलाई 2020 को सबसे पहले आप लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराएं। फिर देखिए अगर आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सही पाए जाते हैं तो ही आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा, जो भी यहाँ पे डेट यहाँ पे डिसाइड कर रखी है। वैकेंसी टेबल भी मैं आपको बता देता हूँ, देखिए स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए यहाँ पे सभी कैटेगरीज को मिला के यहाँ पे 20 पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। लैब अटेंडेंट की पोस्ट की देखिए यहाँ पे 1 पोस्ट रहेगी और देखिए अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को यहाँ पे मिलने वाली है। लैब टेक्नीशियन की देखिए सभी कैटेगरीज को मिला के जो है 20 पोस्ट यहाँ पे शामिल कर ली गई है। स्वच्छता कर्मी की देखिए सभी कैटेगरीज को मिला के जो है यहाँ पे 6 पोस्ट यहाँ पे शामिल कर ली गई है। और ये देखिए ये जो भर्ती विज्ञापन है 47 पोस्ट पे ये यहाँ पे जारी हुआ है। तो बिल्कुल आप सभी लोगों को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पे दी जा रही है। और देखिए आपको यहाँ पे किस तरीके से उपस्थित होना है, तो देखिए सबसे पहले
आपको शेड्यूल आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, पात्र उम्मीदवार को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र के साथ वॉक इन इंटरव्यू में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है। जो देखिए सबसे नीचे की तरफ आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पर फिल करना है। और देखिए डॉक्यूमेंट्स जो आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं तो ये भी आपको यहाँ पर साथ में लेकर जाना है। और देखिए रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पर कराना होगा, पंजीयन आपको यहाँ पर कराना है, और रजिस्ट्रेशन की डेट जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताई है आपको उसी डेट पर यहाँ पर शामिल होना होगा। और देखिए बोला जा रहा है 27 जुलाई 2020 को आप लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराएंगे और 11 बजे से 4 बजे तक का समय जो है आप लोग जाएंगे अपना अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कराने वाले हैं। और देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए पात्र पाए जाते हैं या फिर देखिए अपात्र पाए जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो इसकी जानकारी जो है 28 जुलाई को आपको मिल जाएगी 12 बजे। और देखिए दावा आपत्ति है, अगर आप लोग करेक्शन वगैरह चाहते हैं तो देखिए 28 जुलाई तक का समय आपको यहाँ पर दिया जा रहा है 12 बजे से 3 बजे तक का। और देखिए दावा आपत्ति का जो निराकरण है, मीन्स अगर आपका कोई दिक्कत वगैरह आती है तो देखिए इसका निराकरण जो है 28 जुलाई के दिन ही होगा 3 बजे से 4:30 बजे के बीच। और देखिए आपका जो इंटरव्यू है अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग डेट के लिए रहेगा। तो देखिए 29 जुलाई 2020 को स्टाफ नर्स और लैब अटेंडेंट की पोस्ट के लिए इंटरव्यू रहेगा, और 30 जुलाई 2020 का ये जो डेट है तो देखिए इस डेट को लैब टेक्नीशियन और स्वच्छता कर्मी वाले कैंडिडेट जो है अपना इंटरव्यू देंगे, और 11:30 बजे से 5:30 बजे के बीच ये आपका इंटरव्यू यहाँ पे रहने वाला है। तो बिल्कुल आप सभी लोग यहाँ पे अप्लाई कर दें। और देखिए जिस दिन आप लोग यहाँ पे सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद आप लोग यहाँ पे पात्र पाए जाएंगे, और पात्र जैसे ही पाए जाएंगे उसके बाद ही आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा। और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ देखिए आप लोगों को इंटरव्यू में ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लेकर जाने हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आप लोग फोटोकॉपी का सेट आपको साथ आपको कैरी करके ले जाना है, और एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पे फिल करके ले जाना है। तो बिल्कुल आप सब लोग जल्द से जल्द अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा लें, और 27 जुलाई 2020 को आप लोग यहाँ पे सबसे पहले अपना पंजीयन कराएंगे, फिर आप लोग जो है अपने इंटरव्यू में शामिल होंगे। तो ये पूरा अपडेट मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किया है। दूसरा सरकारी भर्ती का विज्ञापन था, सीएमओ ऑफिस द्वारा ये पूरी वैकेंसी यहाँ पर रिलीज की गई थी, और जिला अंबिकापुर जो है सरगुजा छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत ये पूरा भर्ती विज्ञापन यहाँ पर आया था। दोनों मैंने आपको विज्ञापन की जानकारी दी है जो सीएमओ ऑफिस द्वारा यहाँ पर रिलीज किए गए हैं। ये अपडेट आपको कैसे लगे जरूर बताएं, और इन्फॉर्मेशन आपको कुछ ना कुछ जरूर मिली होगी ऐसी मेरी यहाँ पे उम्मीद है। तो बिल्कुल इस वीडियो को यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर देना है, दिल से इस वीडियो को यहाँ पे लाइक करें। अगर लगता है दोनों सरकारी भर्ती के विज्ञापन से कुछ ना कुछ जानकारी आपको यहाँ पे प्राप्त हुई है तो लाइक जरूर करें इस वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट वगैरह है, कोई भी सवाल वगैरह है आप सभी लोग हमसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। और अपने फ्रेंड्स लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को यहाँ पे शेयर कर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी यहाँ पे शेयर करें, इस वीडियो को यहाँ पे शेयर कर दें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स लोगों में, सभी लोगों को बता दें कि वैकेंसी यहाँ पे आ चुकी हैं। तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे अप्लाई जरूर करें, दोनों सरकारी भर्ती के विज्ञापन इसी वीडियो में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो बिल्कुल शेयर जरूर करें और आवेदन करने को सभी लोगों को बोलें, और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को अगर चाहते हैं स्वास्थ्य विभाग की हर एक सरकारी भर्ती की जानकारी इसी तरीके से आगे मिलती रहे। तो वीडियो के नीचे आइए, सब्सक्राइब के रेड बटन को यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, स्वास्थ्य विभाग की हर एक सरकारी भर्ती की जानकारी इसी तरीके से आगे पात्र। तो अपने इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।